अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीप्लाई। 1/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन को हमने होल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 ज़रूर होता है। तो हम न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 1s are 3 एंड 5 1s are 5। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई 6। तो हम जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। 3 6s are 18, 4 1s are 4। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 18/4। अब 18 और 4 जो हैं वो सेम 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2। इसका आंसर है हमारे पास 9/2। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2/8 मल्टीप्लाई 4। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। 2 4s are 8 एंड 8 1s are 8। अब 8 और 8 जो हैं वो सेम टेबल में आते हैं, 80 के टेबल में, तो दोनों को हम 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा, और जब 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हम उसे राइट नहीं करते। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सेम इसी ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 का हमारे पास टॉपिक है फ्रैक्शन। पहले जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया उसमें हमें 2 फ्रैक्शंस दी हुई थी, हमने उन्हें क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 ब्रैकेट ऑफ। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है ये वाला 3 और ये वाला 3, ये आपस में सेम है, तो इन्हें हम काट देंगे। 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3, सेम टेबल से इन्हें कट कर देंगे। दोनों 3 हैं तो इन्हें हमने कट कर दिया। हम इस तरह से इन्हें डायगोनली कट कर सकती हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते। हमने डायगोनली इन्हें मल्टी डिवाइड कट कर सकते हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते, और कट हमने सेम ही टेबल पे करना होता है। अब 3 और 3 3 1s are 3 3 1s are 3। अब 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब ये 1/2 हम ऐसे ही राइट कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1 1s are 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1s are 1 एंड 2 1s are 2, 1/2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2/7। अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, लेकिन 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 3 1s are 3 7 2s are 14। अब 3 1s are 3 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 70। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा 3/70। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 5/8 मल्टीप्लाई 5/7 ब्रैकेट क्लोज। तो 1/5 को हम वैसे ही राइट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर ये आपस में कैंसिल नहीं होते, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 5s are 25 हो जाएगा एंड 7 8s are हमारे पास होता है 56। अब 5 के टेबल में 25 आता है, तो 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25। देन लास्ट में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1s are 5 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 5/56।
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 7/4। अब 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 वन ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8। 3/2 को हम ऐसे ही राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 टू ज़ार 14 एंड 3 वन ज़ार 3। अब 3 वन ज़ार 3 एंड 3 वन ज़ार 3, 2 वन ज़ार 2, 2 सेवन ज़ार 14। अब 7 वन ज़ार 7 एंड 1 वन ज़ार 1, किसके डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम राइट नहीं करते, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 1 2/3 मल्टीप्लाई 3 2/3 मल्टीप्लाई 2 3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 5/3 मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 11/3 मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 11/4। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 11 ज़ार 55, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई, 11/4 को हम ऐसे ही राइट कर देंगे। अब 55 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करने, हमारे पास आ जाएगा 6 0 5 एंड 9 4 ज़ार होता है 36। हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो स्वयं इसी ही मेथड से सॉल्व होंगे।